मुझे एक बार जरा क्वेश्चन बोलिए भाई क्वेश्चन। क्या था पहला? बोलिए भाई। XC2 XCF। फर्स्ट क्वेश्चन बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? H2SO4। ठीक है, अब जरा एक एक करके सारे बोल दो, फिर सारे आंसर लिख दूंगा। H2SO4, उसके बाद सर आपने HClO4 तक डिस्कस कर लिए थे सर, उसके बाद HClO3। अच्छा, जो डिस्कस नहीं हुए वो बताओ पहले सर, HClO3, HClO2, H2CO3, ठीक है, आगे H3PO4, नेक्स्ट सर फिर BClO2, नेक्स्ट सर CO2। बोलते जाइए सर SO2 SO3, CO3 2 minus, नेक्स्ट PO4 3 minus, SO4 2 minus, नेक्स्ट SO3 2 minus, N3, नेक्स्ट सर BH4 minus, AlH4, यस सर, नेक्स्ट सर फिर सर BCl3, NH4 plus, नेक्स्ट सर XCF2 XCF4 XCF6, नेक्स्ट सर XCO3 XCO2 F2, XCO4 SF6 SF4, SIF4, PCl4 plus, सर इतना ही दिया था। अच्छा, और लिख दो चार। ठीक है, मैं आंसर्स लिख रहा हूँ, अब वेरीफाई पहले कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे कर।
आंसर मैच कर रहा है भाई? सर SF4 का नहीं है। कौन सा? SF4। SF4 सल्फर का हो गया आपका 6, क्लोरीन का हो गया 28, कितना हुआ 34 हुआ। 4+1=5। SP3D1 आया ना? हाँ सर। ठीक है, और सर बोलिए सर NO और NO2 का भी था, बाकी है मालूम है। ये आप देख लीजिए, ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कॉपी करना है ये? ओ सर करिए कॉपी जल्दी से। सर बोलिए सर PO4 3- का बताओ। ठीक है ना सर? क्या गड़बड़ है इसमें, क्या नहीं आया आपको? सर मुझे एक दूसरा डाउट था। क्या डाउट? सर TeCl6 2- का स्ट्रक्चर क्या होता है? किसका? TeCl6 2- ये कहाँ लिखा है सर? वो एक क्वेश्चन में था भाई, मुझे आपका कंपाउंड ही नहीं समझ। आप जरा कंपाउंड फिर से बोलो। TeCl टेलेरियम क्या जी? अच्छा सेले एसई नहीं नहीं सर टीई। अच्छा टीई टेलुरियम। हाँ सर टेलेरियम नहीं होता, टेलुरियम होता। आगे बोलो। TeCl6 2- ये नहीं होगा आपसे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ओके सर ये भी नहीं होगा। और बताइए,
बाकी हो गया ना पूरा? यस सर, यस सर। ठीक है, एनओ और एनओ टू आपने सॉल्व किया था? इसको अलग से नोट करिएगा, ये सॉल्व नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है ये। और ये कॉपी हो गया है, मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाऊं। अब जरा आप ड्रॉबैक्स खोलिए लुइस का। लुइस का ड्रॉबैक खोला आप लोगों ने? हाँ सर। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए क्या था सर? हाँ, प्रीवियस सारे ड्रॉबैक सॉल्व हो गए, ये तीन ड्रॉबैक बचते हैं। नॉट एक्सप्लेन अबाउट द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन, नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ Li2, V2, Z2 एटसेट्रा, नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक NO, NO2 एटसेट्रा। करिए इसको कॉपी, इसके आगे की थ्योरी में कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप कॉपी करिए, बाद में एक्सप्लेन कर।
कॉपी हो गया भाई? हाँ यस सर। उसके आगे कंटिन्यूएशन में कॉपी करिए। कॉपी हो गया? एक सेकेंड से।
आप थोड़ा सा नीचे करेंगे क्या बोल रहे हैं रेप्लिकेशन का थर्ड वाला पार्ट नहीं दिख रहा है हाँ वो मैं कर देता हूँ बाकी सबका हो गया है हाँ सर ठीक है कॉपी हो जाए तो बताइए मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नीचे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना हाँ डन सर
करूं एक्सप्लेन भाई? यस सर, यस सर। चलो वापस से फर्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए थ्योरी बेस्ड ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने लिखा है, बट उसे समझने के लिए हमें एक बात समझनी होगी। वो यहाँ पर मैंने जब आपको ओवरलैपिंग दिखाया है तो आपने नोटिस किया कि ये फर्स्ट वाली ओवरलैपिंग तो हमने हमेशा यूज करी थी, ये वाले के बारे में कभी डिस्कशन नहीं हुआ। तो ये थ्योरी बेस्ड ऑन दिस ओनली, ये जो ओवरलैपिंग अगर ये रॉन्ग है तो इसे किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर यूज किया है, तो थ्योरी बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला चीज। थ्योरी वॉज सपोर्टेड बाय हंस आफबाउ पॉली, ठीक है। अब किस तरीके से दिखाया वेव के फॉर्म में, तो ये दो वेव्स आपको दिखाई हैं ए और बी, जिनकी दो पॉसिबिलिटी है सुपर इम्पोजिशन या ओवरलैपिंग की। पहली पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है जहां पर दोनों वेव को हमने ऐड किया है। जब हम ऐड करते हैं तो इसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव। जब कंस्ट्रक्टिव होगा तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, हाई एम्पलीट्यूड होता है, स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है और एनर्जी क्या होती है कम हो जाती है। दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा और पाई। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्शन होगा तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और एनर्जी बढ़ जाएगी। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार पाई स्टार। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट की बात। अब इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट को यूज करके अब हम बॉन्ड्स बताएंगे। कैसे बताएंगे? तो हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर बताया आपको बॉन्ड ऑर्डर का। तो पहले तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, किसी दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं वो अब हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन हम अभी आपको सिखाएंगे। एक एप्लीकेशन, पहला बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, आप एनर्जी कंपेयर कर सकते हो। दूसरा आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये भी हम आपको करके बताएंगे। वी कैन कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑल्सो, ये भी हम आपको करके बताएंगे एप्लीकेशन द्वारा सारा पार्ट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो पैरा और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो डायमैग्नेटिक होता है। सेकेंडली अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर किसी का पता है तो आप उसके बारे में बता सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी का जीरो आता है तो ना वो एग्जिस्ट करेगा ना ही वो स्टेबल होगा। इंटीजर आएगा तो इट विल एग्जिस्ट बट अनस्टेबल, सॉरी इंटीजर आएगा तो इट विल एग्जिस्ट एंड स्टेबल बोथ, फ्रैक्शन आएगा तो एग्जिस्ट करेगा बट अनस्टेबल होगा। बट ये सब कुछ हम करेंगे कैसे, तो इसको करने के लिए हमने आपको नीचे एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। टेबल आपको दिख पा रहा है, पहला टेबल मैंने उसके आगे लिखा है फोन, ठीक है। पहला टेबल इसमें कब एप्लीकेबल है, जब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नियॉन इससे लिंक कुछ भी होगा, ठीक है, तो पहला टेबल यूज करेंगे। अदर देन फ्लोरीन ऑक्सीजन नियॉन होगा तो नीचे वाला टेबल यूज करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, अब क्वेश्चंस इस पे कैसे होंगे और एप्लीकेशन क्या होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सर देखिए जरा कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला
मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्टेंस स्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. मैं केवल एक ही सॉल्व करूंगा फिर आपको करना है. बहुत ध्यान से देख लीजिए. Li2 लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर? तीन. तीन तो Li2 में कितने हो गए? छह. ठीक. अब कौन सा टेबल यूज करें, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला. दूसरा वाला बिकॉज पहले वाले के लिए फ्लोरीन ऑक्सीजन या नियॉन होना चाहिए. अब ध्यान से देखिए जरा फिलिंग, हंट्स के रूल से फिलिंग करनी है. टू टू टू, छह इलेक्ट्रॉन्स हो गए. बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब विदाउट स्टार वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ बोलिए. फोर. फोर और विदाउट स्टार कितने हैं? सॉरी स्टार कितने हैं? टू. सॉल्व किया तो कितना आ गया? वन. ये इंटीजर है कि नहीं? तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये स्टेबल भी होगा. अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखनी है. अब जरा देखिए आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? पेयर्ड. तो हम क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक. समझा? यस सर. एक और कर देता हूं मैं. O2. O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? भैया O2 है, दो एटम्स हैं. 16. एक कौन सा टेबल यूज करना है आपकी बार? फर्स्ट. अब ये फिलिंग देखना, थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है. दो चार छ आठ दस. अब जहां पे एनर्जी इक्वल होती है वहां की फिलिंग के रूल्स देखिए. वहां पर एक एक करके फिल करना है. वन वन फिर वन वन. कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने? 14 हो गए, अभी और बच रहे हैं. वन वन. इज इट क्लियर? सेम एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन वन बाई वन. क्लियर है? यस सर. अब आगे चलते हैं जरा. काउंट करके बताइए जरा, विदाउट स्टार कितने और स्टार कितने? बोलिए. 10. 10 माइनस 6 कितना आया? इंटीजर है तो एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल होगा. अब जरा आउटर मोस्ट में देखिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड. अनपेयर्ड दिख रहा है सबको? अनपेयर्ड. ये देखो ये दोनों अनपेयर्ड हैं, तो दो अनपेयर्ड हैं इसके पास. तो पैरा की डाया? डायमैग्नेटिक. पैरा. यस सर. अगर अनपेयर्ड है तो पैरा. क्लियर है सबको अभी? अभी बाकी के क्वेश्चंस आपको करने हैं. प्लीज जरा स्टार्ट करिए, एक ही टेबल बनाइए, पेंसिल इरेजर यूज करके करिए, फटाफट शुरू हो जाइए.
देखो गाइस मैंने आंसर्स लिखे हैं, मैच कर रहे हैं आपके आंसर्स? सर बोरॉन का नहीं हो? यस बोरॉन बी टू का 10 जहां लिखा है 10 आया इसमें। हाँ यस सर। क्यों नहीं मैच कर रहा यार? कौन सा टेबल? नीचे वाला टेबल यूज किया ना सर। पैरा मैग्नेटिक आ रहा है। हाँ पैरा ही आएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो आ रहा है। सॉरी माय मिस्टेक इट्स अनपेयर्ड का केस। पैरा मैग्नेटिक होगा राइट। अदर देन दैट बाकी मैच कर रहे हैं सारे? यस सर। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर H3 प्लस पे ढाया है। क्या कह रहे हो? H3 प्लस। H3 प्लस में क्या प्रॉब्लम बेटा? दो ही इलेक्ट्रॉन्स तो रह जाएंगे सर, तो पेयर तो डाया मैग्नेटिक होगा। पैरा नहीं होगा क्या? ओ या सॉरी, दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, डाया करेक्ट है। सर एनओ में हम लोग वो फर्स्ट वाली टेबल यूज करेंगे या फिर सेकंड वाली? एनओ में बेटा ऑक्सीजन है ना? यस सर। तो फिर ओ वाला लेना पड़ेगा आपको। ओके सर। हो गया सबका? किसी को कॉपी करना है? कॉपी नहीं करना है किसी को ना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। यस सर।
क्वेश्चन देख रहे हैं आप, आपको हर इंडिविजुअल का मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है और बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है ए बी सी डी, और ई में आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है। स्टार्ट करिए सॉल्व करना। सर फर्स्ट वाले में दो ओ टू प्लस है, एक्सक्यूज मी सर, बोलिए बेटा। सर फर्स्ट वाले में दो ओ टू प्लस है। अरे एक सेकंड, तो एक को ओ टू बना दीजिए, नहीं तो इक्वल आ जाएगा फिर। ठीक है, यस सर।
आंसर्स मैच कर रहे हैं ये आपके? क्यों भाई? यस सर कर रहे। सर सीओ प्लस का नहीं हुआ। ठीक है, एक सीओ प्लस नहीं मैच किया होगा मान लेते हैं, और अदर देन दैट? नो सर। यस सर। ये हो गया सर। ये सब मैच कर रहा है? यस सर। वेरी गुड, सीओ प्लस छोड़ के सब मैच कर रहा है। Yes. अब जरा कुछ बात सुन लीजिए, मॉड्यूल से एमओटी तक पूरा सॉल्व करना है आपको। एक सीओ प्लस का केस छोड़ दीजिए, इसे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे बताऊंगा। अदर देन दैट आपको कोई और प्रॉब्लम आई किसी चीज में? N2 2 माइनस बेटा क्या प्रॉब्लम है? 16 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। Yes, sir. कहां पे प्रॉब्लम क्या है? 16 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में प्रॉब्लम है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है? सर मुझे पता नहीं क्यों हाफ इनटू 12 माइनस 4 फिर 4 आया। 12 माइनस 4 कैसे कर दिया आपने? देखो टेबल पे आता हूं मैं, नीचे वाली टेबल यूज करेंगे, टेबल गलत यूज करोगे तो गलत आएगा। ये देखो कितने हो गए आपके, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 यहाँ पे हो रहे हैं, 12 माइनस 4 आ रहा है बराबर। ठीक तो है, सब तो मैच कर रहा है फिर तो क्या दिक्कत है? तो सर आंसर 4 आएगा ना? 12 माइनस 4, एक सेकंड, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ए, ये 16 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हुए हैं। अभी 16 इलेक्ट्रॉन कहाँ हुए बेटा पूरे? Yes, sir. इसलिए गड़बड़ है सर। हाँ सर, ये जो अपना ये ऑर्डर है सिग्मा वन हाँ, सर वो हाँ, पूरा याद करना पड़ेगा। याद तो करना पड़ेगा। याद तो करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, आप मॉड्यूल ट्राई करिए। सीओ प्लस का केस मैं आपको नेक्स्ट पे बताऊंगा, कुछ और एक्सेप्शंस आपको बताऊंगा। ठीक है, मॉड्यूल जरूर ट्राई करिएगा आप लोग। यस सर। ठीक है, चलो गाइस, ओके, गुड बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। Hi sir, thank you. Sir.